आप सभी को मेरा नमस्ते। प्रियंका किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ टमाटर का ठेचा। इसके लिए मैंने लिए 14-15 हरी मिर्च, एक टमाटर, 10-12 लहसुन की कली, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक। अब मैं मिर्ची तवे पे अच्छी तरह से भून लूंगी। अभी अपनी मिर्ची भुननी हो गई है। थोड़ा सा तेल डाल के 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हल्का पट्टा के भून लेते, निकाल लेते। टमाटर भी अच्छी तरह से भून लूंगी। इसमें थोड़ा सा तेल डाल के अच्छी तरह से इसको भून लूंगी। अभी अपने टमाटर भी अच्छी तरह से भुनने हो गए, अब मैं इसे भी निकाल लूंगी। अभी भुनी हुई मिर्ची मैंने खलबत्ते में डाली है। इसमें डालूंगी मैं लहसुन, अपने भुने हुए टमाटर, स्वादानुसार नमक, हरा धनिया और इसे अच्छी तरह से बारीक कूट लेंगे। अभी अपना ठेचा बनकर तैयार है। मैं इसे कटोरी में निकाल लेती हूँ। अब मैं बना रही हूँ करने की भाकर। करने की भाकर मतलब ये ज्वार और काली उड़द मिक्स करके इसका आटा पिसवा के इसकी भाकर बनाते हैं। इसमें डालूंगी मैं स्वादानुसार नमक। इसमें पानी डाल के मैं इसका डो तैयार कर लूंगी। जब अपन ये डो तैयार करते हैं, इसको अच्छी तरह से अपनी हथेलियों से प्रेस करके अच्छे से गूंथ लीजिए। इसकी भाकर बहुत टेस्टी लगती है। अभी अपना डो तैयार है, मैं इसकी भाकर बना लेती हूँ। हमें नीचे थोड़ा सा आटा डाल के अपनी ये भाकर अपने हथेलियों से बना लूँगी। हल्के हाथों से उंगलियों से इसे प्रेस कर लीजिए। अभी अपनी भाकर तैयार है। इसको उल्टे हाथ उल्टी साइड से ऐसे डाल के थोड़ा सा पानी लगा लीजिए। दो मिनट के लिए इसे पका लेंगे एक साइड से। अभी अपनी एक साइड हो गई है, मैं इसे उतार रही हूँ। अभी देखते हैं, अपनी दूसरी साइड भी सिका गई है। अब मैं गैस की आंच बढ़ा के इसको डायरेक्ट गैस पे सेक लूंगी। अपनी भाकर तैयार है। अब मैं बना रही हूँ मक्के की भाकर। इसके लिए मैंने आटा लिया है मक्के का, ये स्वादानुसार नमक। इसका भी अपन डो तैयार कर लेंगे। इस भाकर को भी अच्छी तरह से हाथ से प्रेस करके थाप लीजिए। इसे भी अपन नीचे के साइड से डाल के पानी लगा लेंगे। अभी अपनी भाकर नीचे की साइड से हो गई है, इसे भी मैं पलटा लूंगी। अभी अपनी करने की भाकर और मक्के की भाकर तैयार है। इसके ऊपर डालूंगी मैं ठेचा।
इसके ऊपर थोड़ा सा मूंगफली का तेल डाल के खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अपनी ठेजा भाकर तैयार है। इसे प्याज अचार के साथ खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।